हवाओं से बात करने वाली, सफलता की ऊंचाई को छूने वाली ये मौसमी गौतम की तस्वीर है। मौसमी अब इस दुनिया में नहीं है। इंडिगो एयरलाइंस में काम करने वाली मौसमी गौतम ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। मौसमी इंडिगो एयरलाइंस में सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। मौसमी गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। कमरे में उनकी लाश मिली। वो अकेले रह रही थी। 35 साल की मौसमी असम की रहने वाली थी। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के मुताबिक कल शाम 6 बजे मौसमी ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और फिर रात 9 बजे गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से कहा कि वो सुबह बात करेंगी। सुबह जब उनके रूम का दरवाजा खटखटाया गया तो खौफनाक सच सामने आया। तो सुबह लड़के ने देखा कि वहाँ पे हाँ वो फोन उठा नहीं रहे थे, बिकम नहीं कर रहे थे। फिर इसने बैक साइड से देखा, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आप कमरे में गए? नहीं, कमरे में नहीं गया। हमने जब क्या देखा था बैक साइड से, क्या देखा था? वो हैंग हो रखी थी। मौसमी गौतम ने जान क्यों दी? आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि वो फांसी के फंदे से लटक गई? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। मौसमी के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मौसमी असम की रहने वाली थी और इनके एक 8 साल की बेटी भी है। पति भी इनका असम में रहता है, जबकि जो इनके परिवार के लोग हैं, जो माता पिता और भाई हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं। मौसमी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई थी। 3 दिन की ट्रेनिंग थी और इसी कमरे में ठहरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ कि मौसमी को खुदकुशी करनी पड़ी? स्टाफ के कर्मचारियों ने कैब के लिए इनको फोन किया तो इनका कोई फोन पिक नहीं हुआ, ना ही इंटरकॉम पर इन्होंने पिक किया। इसके बाद जब स्टाफ ने पीछे से खिड़की पर जाकर देखा तो मौसमी गौतम पंखे से लटकी हुई थी, उनकी लाश लटकी हुई थी। मौसमी गौतम गुरुग्राम में ऑफिस की किसी ट्रेनिंग के लिए आई थी। वो 12 तारीख से गेस्ट हाउस में रह रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।